जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो दिल्ली मेट्रो उसमें आपकी वैकेंसी है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो ये कॉन्टेक्ट बेस पर आपकी जॉब जो है दी गई है, तो आप जो कैसे अप्लाई कर पाएंगे क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो आपका ये 3 साल के लिए कॉन्टेक्ट बेस है, यहाँ पर 4 वैकेंसी आपके लिए दी गई है। 35 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं जनरल के लिए 2 OBC के लिए 1 SC के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। वहीं बात करें आपका मंथली आपकी जो सैलरी होगी वो 63,112 रुपये होगी। तो यहाँ पे आपका टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे क्या आपका जो टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिक्स है उसमें आपका बढ़ भी सकता है। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं वहाँ पे तो आपका जो है सर्विस बढ़ा दिया जाएगा। जो टॉप जॉब डिस्क्रिप्शन होगा देखिए वो होगा आपका अब डेवलप ऑफ सिस्टम बाय डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग है, डेवलपिंग है, वैलिडेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर है फॉर ICVTC प्रोजेक्ट। तो ICVTC प्रोजेक्ट में आपको कार्य करना है। यहाँ पे आपका देखिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, मिनिमम 60% आपका जो है BE BTech कोई भी एक कोर्स हो या आपका MCA है तो MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप अपना करेंगे। जो एलाइबल होंगे उसका एजेंसी से टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका एडवांस होना सी होना चाहिए या C++ होना चाहिए। उसका पता है यू हैव नॉलेज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। उसका एजेंसी वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है पोस्ट पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे उसके बाद आपका लिनक्स सर्वर ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस वर्टिलाइजेशन टेक्सटाइल लाइक MVM अफेयर में होना चाहिए, ठीक है। तो आपका डाटाबेस प्रोग्राम में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका एसेंशियल सर्टिफिकेट जो है इसमें सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एसेंशियल टेक्निकल स्किल तो वो आपका होना चाहिए, ठीक है। उसका पता एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एसेंशियल एक्सपीरियंस 5.2, तो यहाँ पर 5.2 के जो एक्सपीरियंस लेटर हैं वो आपको होने चाहिए। जो एक्सपीरियंस लेटर मांगा है वो एक्सपीरियंस लेटर आपको देना होगा। उसका लिस्ट ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट असाइनमेंट वेयर सॉफ्टवेयर कोडिंग हैज बीन डन, तो आपने जहाँ से आपका जो असाइनमेंट आपने किया है तो वहाँ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ड्यूली सर्टिफाइड बाई कंपनी हैज डेवलप एंड स्टेटस वेदर डिप्लॉयड और नॉट, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपनी का रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ेगा, 3 साल आपने कहाँ पे सर्विस किया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसका होता है रेम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका सैलरी काफ़ी अच्छी है तो आपको जो है नॉर्मली अप्लाई कर पाएंगे। जो सर्विस कंडीशन है वो आपको TADA अगर आपका ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी, लिविंग हॉलीडे आपको सारी व्यवस्था इसमें अच्छे से मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। यहाँ पे आपको बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, तो नॉर्मली आप अपना सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं एंड आप जो करेक्टर आपको कैसे जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लेना है। यहाँ पर उस तरफ से किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ भी आपका लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या अपना फोटोग्राफ लगाना होगा, जो सेल्फ अटेस्ट करना होगा फोटोग्राफ, उसके बाद आपको नीचे कर लेना है। यहाँ पर देखा एप्लीकेंट नेम, तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में सारा फॉर्म जो है फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे फादर या हस्बैंड नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, तो 1/9/2023 के हिसाब से आपको एज कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे कितने साल के हो गए, मंथ के एंड डेज के, तो आप गूगल पे एज कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। क्या होता है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो यहाँ पे आप विलेज पोस्ट तहसील डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड ये सारी चीज़ जो है आप अपनी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना देना होगा एंड आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। उसका पता कैटेगरी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल OBC SC ST एंड यहाँ पर क्या है आपको नॉर्मली आपको 10th डाल देना है 12th डाल देना है, उसका ग्रेजुएशन है तो वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है यहाँ पर करते कि ग्रेजुएशन से ऊपर है तो आप यहाँ पे क्या अपना कम कर सकते हैं। तो आप 12th से स्टार्ट करें 10th है आपका पार्टिकुलेशन किस सब्जेक्ट से आपका आप पार्टिकुलेशन आपको यहाँ पर 10th लिख देना है, कौन सी सब्जेक्ट से क्या है, किस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी एक का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा, कितना परसेंटेज है या CGPA है यहाँ पर किस ईयर में आपने पास किया। वहीं आपको यहाँ पर 12th इंटरमीडिएट लिख देना है एंड यहाँ पर 12th लिख देंगे। उसका पूछता है आपका सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसका इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया था, कितना परसेंटेज है, किस ईयर में किया था। सेम आपका BE BTech का होगा वो भी आपको रिकॉर्ड इसी तरीके से
देना होगा। उसका पूछता है वर्क एक्सपीरियंस का, आपको कॉलम तो आपका वर्क करंट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा जो 1/9/2023 से पहले का होना चाहिए। उसका पूछा है फॉर एप्लीकेंट फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, तो आपको यहाँ पर किस किस पोस्ट पे आपने कार्य किया है, वो कार्य यहाँ पर आपको किस पोस्ट पे किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन और किस जगह पे किया है, पे स्केल क्या आता है, वहाँ पे सैलरी क्या आती है, आपका कब से कब तक आपने किया है, तो वो सर्विस आप अपनी दे सकते हैं। उसका एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस होता है, आपके पास टेक्निकल स्किल एक्सपीरियंस है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मेंशन पॉइंट नंबर 5.2, तो आपको जो 5.2 था 5.1 था वो है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर लेना। नो करने से आपका क्या है तो यहाँ पे थोड़ा आपको कम होगा, तो आपको यहाँ पे यस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। उसका पूछता है 3 ईयर पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना। उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और पूछा वेदर एनी कन्वर्सेशन कोर्ट हुआ, यहाँ पे क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कार्यवाही है, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली नो कर देना, उसके बाद यहाँ पर भी आपको नो ही करना होगा। यहाँ पे डिटेल आपने फिल कर दिया, उसके बाद आपको नीचे कर लेना है, नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा थेरेपी, तो यहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे होता है NOC वैलिड DAR स्टेटस एंड करंट एम्प्लॉयर इनक्लोज, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद आपको नीचे कर लेना, नीचे होता है एनी अनदर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, कोई अदर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है, अवार्ड है, सर्टिफिकेट है, तो वो आप दे सकते हैं। उसका हॉबीज एंड इंटरनेट, आपको इंटरेस्ट देना होगा, आपको इंटरेस्ट किस में है और हॉबीज आपकी क्या है, तो आपको यहाँ पर नॉर्मली क्या है यहाँ पर आपको डेट डाल दें किस डेट में अप्लाई करना है, प्लेस का नाम अपना गांव या जो भी शहर है वो डाल सकते हैं, एंड यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, मोबाइल नंबर आपको नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये आपको डाल देने, ठीक है। तो जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने वो क्या क्या भेजने वो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, BE, BTEC जो भी किया है, टेक्निकल स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। आपको भेजने का पर ये भी आपका विषय होगा क्या हमारा एड्रेस क्या है जिस एड्रेस पर हमें ये भेजने वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप पोस्टल एड्रेस तो एक्सक्यूटिव डायरेक्ट HR दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड मेट्रो भवन फायर ब्रिगेड लेन बारह खम्मा रोड न्यू दिल्ली, तो आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा। या और आप इससे आप भेजने के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं, तो आप मेल कर देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, तो दोनों कार्य ही कर सकते हैं, ठीक है। उसका एप्लीकेशन शुड सबमिट द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म बाई स्पीड पोस्ट और बाई मेल, तो आपको स्पीड पोस्ट और मेल में से कोई भी एक तरीके से आपको करना है, दोनों से करेंगे तो आपके लिए और बेटर रहेगा। यहाँ पे 17 अक्टूबर जो है आपका लास्ट डेट होने वाला है, तो ऐसा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।